पिछली वीडियो में हमने पेशेंट नाम के मॉडल को हमने क्रिएट किया था और बाद में यहाँ से मैंने मैन्युअली डेटा को ऐड किया था। तो ये डेटा हमें यहाँ से ऐड नहीं करवाना, ये जो डेटा है हमारा ये ऐड पेशेंट है वो फॉर्म से अगर कोई पेशेंट को ऐड करना है तो अगर हम ये पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके सबमिट करते हैं तो ये डेटा सेव हो जाना चाहिए हमारा ये पेशेंट मॉडल में। तो चले ये सारी फंक्शनलिटी को आज हम ये वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इनपुट फील्ड दिख रही है उसका हमें नाम देना पड़ेगा। तो चले नाम देने के लिए हम आएंगे एड पेशेंट डॉट एच टी एम एल में। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है तो फॉर्म में हम यूज़ करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट को, तो मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट और इसका जो एक्शन होगा वो यही पेज पर होगा, यानी कि एड पेशेंट पेज पर। तो यानी कि हमें एक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इनपुट फील्ड है उसका हमें नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आईडी दी हुई है तो इसी तरीके से नेम रखेंगे, नेम रखेंगे इसका पेशेंट नेम, इसका नाम शॉर्ट में डीओबी कह देते हैं, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, इसका नाम होगा एज। फिर यहाँ पर है फोन तो इसका नाम रखेंगे फोन, इसका नाम रखेंगे ईमेल। और ये जो ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर सिर्फ नेम ही देना है, इसका नाम जेंडर। और यहाँ पर हमें वैल्यू अगर आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, तो अभी हमें वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो चीज़ है वो वहाँ पर सेव हो जाएगी अपने आप। अब यहाँ पर है एड्रेस तो इसका नाम होगा एड्रेस, और नीचे की ओर है फाइल तो फाइल हमें नहीं चाहिए तो इसको करेंगे इरेज। तो चलिए ये सभी का नाम रख दिया। अब आपको बटन में एक चीज़ आपको चेक कर लेना है कि उसका टाइप सबमिट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी है, यहाँ पर आपको फॉर्म के नीचे लिखना है CSRF टोकन। तो ये जो CSRF टोकन है वो सिक्योरिटी के लिए है कि कोई हैकिंग बैकिंग ना हो जाए, तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जेंगो में हमें CSRF टोकन लिखना पड़ता है। तो ये मैंने लिख दिया CSRF टोकन, ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मैं ये जो फॉर्म है उसको फिल करूँगा, एक बार करेंगे रिफ्रेश। चलिए यहाँ से बर्थडे चूज़ कर लेता है, मैं अभी कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ, सॉरी फ़ोन नंबर में हमने इंटीजर फील्ड रखी थी तो मुझे यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा, अगर मैं नंबर नहीं लिखता तो मुझे एक एरर मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी, प्लीज़ कन्फर्म सबमिट। तो ये फॉर्म एक बार रिफ्रेश हो गया और यहाँ पर सारी चीज़ें ब्लैंक हो गई। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, तो चले मुझे एक्शन भी देनी ही पड़ेगी। एक्शन में हम रखेंगे URL एड पेशेंट। तो ये एड पेशेंट मैंने कहाँ से लिखा, तो ये हमने URL क्रिएट किया था उसका हमने यहाँ पर एक्शन लिख दिया। तो चलिए आप चाहे तो उसको लिख सकते हो, अगर आप लिखना न चाहे तो ये एक्शन को मत लिखना। तो चलिए ये डेटा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू चला गया है। चलिए ये जो डेटा गया है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, हमने ये फॉर्म से क्या कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये फॉर्म से हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है। तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हमें ये व्यूज़ वाले फंक्शन में गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है इफ़ मेथड, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर सारे डेटा को गेट कराना है, तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्डें लिखी थी और उसका क्या क्या हमने नाम रखा था। तो यहाँ पर था पेशेंट का नाम,
वीडियो भी एज फोन, सॉरी ये अपने आप रेंज हो गया, एज फोन, ईमेल, जेंडर एंड एड्रेस। तो ये सारी चीजें लिख दी। अब ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने भेजी है उसको हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। हमें ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई है उसको हमें यहाँ पर गेट कर देना है। चलिए मैं इसको सभी में कॉपी कर दूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट का नाम, यहाँ पर DOB, यहाँ पर एज, फोन, चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये सारा डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो ये मैंने सभी चीज़ों को प्रिंट कर दिया। चलिए ये सर्वर को एक बार रिलोड होने देता है। तो अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और कंटिन्यू। तो ये जो डेटा हमने भेजा था पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू वो हमें कंसोल में मिलेगा। तो यहाँ पर नेम आ गया, उसकी बर्थ डेट आ गई, नंबर आ गया, उसकी ईमेल आईडी है, यहाँ पर जेंडर है और जेंडर के बाद एड्रेस है। तो चलिए ये सभी चीज़ें आ गई, यानी कि हमें डेटा मिल रहा है और ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। अब ये जो डेटा आया है उसको हमें सेव कर देना है डेटाबेस में। तो डेटाबेस में किस तरह कैसे डेटा सेव होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो डेटाबेस के लिए हमने एक मॉडल क्रिएट किया था पेशेंट नाम का। तो ये जो पेशेंट मॉडल है उसको हमें views.py में हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, फिर वो ऐप के अंदर है तो फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पेशेंट मॉडल। तो चलिए ये जो पेशेंट मॉडल है उसको हमने इम्पोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसका यूज हम कर सकते हैं, पेशेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पर पेशेंट मॉडल। तो ये जो पहले वाला है वो वेरिएबल है और ये पेशेंट है वो हमारा मॉडल है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब मॉडल में एक बार ये पेशेंट नेम, तो पेशेंट नेम में हमें क्या सेव करना है। तो पेशेंट नेम में ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट आई है उसको हमें सेव कर दे रहे हैं। तो ये पेशेंट नेम सेव हो गया। आप डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में सेव करेंगे DOB। अब यहाँ पर है एज, फोन, ईमेल, जेंडर। तो चलिए एज में हमें सेव कर देना है, एज को, फिर फोन में सेव करना है फोन को, पी एच ओ एन ई, ये रहा फोन। ये हमने एड्रेस भी सेव कर दिया, ये सारी चीजें यहां पर आ गई। ये जो पहले वाला है उसमें है ये हमारा मॉडल का नाम है, मॉडल में जो फील्ड है इस ये नाम है, और ये वाला नाम है वो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट का नाम है जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर डेटा को गेट किया है। अब ये जो पेशेंट है उसको हमें कर देना है सेव, पेशेंट डॉट सेव। तो ये जो हमारा मॉडल, ये जो सारा डेटा है वो हमारा मॉडल में सेव हो जाएगा। चलिए इसको एक बार सेव करेंगे, सर्वर को एक बार रीलोड करेंगे।
अगर इसको रीलोड करके मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये डेटा सेव हो जाना चाहिए हमारे डेटाबेस में। तो चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर डेटा मुझे मिल गया। यहाँ पर नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एज आ गई, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। यानी कि ये जो सारा फंक्शन है हमारा वर्क कर रहा है। तो ये जो सारा जो कोड हमने लिखा है अभी, ये उसका जो ये जो कोड है वो आपका, इसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।